Good morning, students. Welcome to Environment Class Standard 4. We will continue our chapter 13, Rivers Tell. Rivers Tell में मैंने कल एक अच्छा सा बढ़िया सा पिक्चर ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस पीरियड में कि रिवर्स जहाँ से निकलती है वहाँ से लेके जैसे जैसे विलेजेस एंड टाउन्स में जाती जाती है वहाँ पे किस टाइप के चेंजेस होते जाते हैं वो इस चैप्टर में आपने देखा है. तो वहाँ पे मैंने पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया था. अब हमारे क्वेश्चन आंसर बाकी है. रिवर्स में कितनी चीज़ें पॉल्यूशन कितना ऐड होता जाता है. देन आपको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करने को बोली थी कि किस तरह से आपको वाटर में हल्दी सॉल्ट फिर लेमन जूस या वो सारा डाल के देखना था कि कौन सी चीज़ें पानी में डिसॉल्व हो जाती है एंड कौन सी चीज़ें पानी में डिसॉल्व नहीं होती है. वो आपको एक एक्टिविटी आपको घर में करनी थी जो आप बॉटल्स में या अदरवाइज ग्लास जो होते हैं वो ग्लास के ही कांच के ग्लास आपको यूज़ करने थे और फिर उसी में आप यूज़ करके आपको देखना था कि कौन सी चीज़ें पानी में एकदम अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाती है. यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलेगा कि हम जो भी चीज़ें पानी में फेंक देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो कचरा बह गया. बह गया पर वो कहीं ना कहीं पे अटक जाता है और वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करता है. गंदा करता है, हमारी एयर गंदी हो जाती है, एयर पॉल्यूटेड हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें इससे अफेक्ट होती है. तो उसी के बेस पे क्वेश्चन आंसर आज हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा रखा है आंसर तो खोला ही. तो हमारा चैप्टर है रिवर टेल्स, सब्जेक्ट है हमारा डीएमई. स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बीन्स. तो बीन्स मतलब स्टार्टिंग, जहाँ से वो स्टार्ट होती है रिवर. व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बीन्स, जहाँ से रिवर निकलती है. जैसे मैंने कल एक ड्रॉइंग बनाया था तो जो माउंटेन्स के बीच में से रिवर निकलती है तब उसका कलर कैसा हो. तो आंसर है वाटर इज कलरलेस. वाटर का कोई कलर नहीं होता है. आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि मेरे घर में तो रेड कलर का वाटर आता है, येलो कलर का आता है, ब्लू कलर का. वाटर का कोई भी कलर नहीं है, वो कलरलेस है. बट व्हेन यू विल सी अ रिवर फ्रॉम अ डिस्टेंस इट विल अपीयर ब्लूइश. तो जब आप रिवर को नजदीक से देखोगे तो जो नीचे का पोर्शन है तो नीचे ग्रीनरी होगी, ग्रास होगी या वो जो भी होगा उसकी वजह से हमें ग्रीन ग्रीन शेड दिखेगा. अदरवाइज वो उसका हम हाथ में लेके ना तो उसका कलर ही चेंज हो जाएगा. वही वाटर को हम हाथ में लेंगे तो उसका कलर हमें दिखाई ही नहीं देगा. बट आप थोड़े डिस्टेंस के बाद यहाँ पे लिखा गया है बट व्हेन यू विल सी अ रिवर फ्रॉम अ डिस्टेंस इट विल अपीयर ब्लूइश. थोड़े डिस्टेंस के बाद आप देखोगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा. वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा ब्लूइश शेड उसमें हमें दिखेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. एट व्हिच प्लेस डी डॉग कलर
विलेज, तो विलेज में पहुंचने से पहले बहुत सारी विशेष उसके अंदर थे। चलो नेक्स्ट फोर नंबर, द कलर ऑफ रिवर आर चेंज, व्हाई डिड द हैपन। तो रिवर का कलर चेंज होते जाता है विलेज से पास टाउन, और विलेज से जब वो पास होती है रिवर तब वो कलर चेंज होता जाता है, तो क्यों ऐसा होता है वो देखते हैं आंसर। क्वेश्चन क्या है, द कलर ऑफ रिवर आर चेंज, व्हाई डिड द हैपन। द चेंज का आंसर आएगा द चेंज, द चेंज द कलर ऑफ रिवर वाटर इज मेनली ड्यू टू पॉल्यूशन। तो मेन सर्च
क्या है क्वेश्चन एंड या
की स्मेल आना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से हमें क्या, जो वेस्ट जो हम रिवर में डालते हैं उसकी वजह से ही पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, आई वुड लाइक रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बैंक एंड द वॉटर फ्रॉम द रिवर बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट रिवर ऑफ वॉटर इज गेटिंग पॉल्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है इसलिए लिखते ही जाना है, ये आपने लिख लिया होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया होगा तो मैं रब कर रही हूँ। नेक्स्ट लिखेंगे हम, garbage, etc.